महापुरुषों का कहना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथा अनंत है, वैसे ही हरि के भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं, अनगिनत हैं, जो जीवन को सफल बनाने वाली है। एक एक कथा सद्मार्ग दिखाने के लिए रोशनी का मीनार है। बजरंग बली हनुमान जी के जीवन संबंधी भी अनगिनत कथाएं हैं, जिनमें से हम आपको कुछ ही सुना पाए हैं। अब अंत में एक कथा और सुनिए। एक दिन हनुमान बजरंगी सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए आशीष झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले बात क्या है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत मान दिए हैं, अब मैं उन्हें लौटाने आया, मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्का कर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भीतर से, तुम काहे को डोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं आपका अमर पद लौटाने आया हूँ। सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान अमर पद पाने के लिए तो देवता तरसते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैया अवश्य तरसते होंगे, परंतु मैं आपसे जुदा रहकर अमर पद क्या करूंगा। अभी माँ बेटे में ये वार्तालाप हो ही रहा था कि राम प्रभु जी आ गए। आते ही राम जी ने कहा, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। सीता बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनु को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी ये क्या लीला नहीं रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले, अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, आप सकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप वैकुंठ सुधार रहे हो, आप बिना क्या मेरा जीवन, अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्न में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज क्या ये सच है कि आप ये शरीर त्याग कर साकेत धाम पधार रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो साधारण जीव हो या अवतार, इसी का नाम तो काल चक्र है। हनुमान जी बोले, तो आप ही कहिए, जब आप यहां नहीं होंगे तो मैं प्रलय तक का ये लंबा जीवन कैसे व्यतीत कर सकूंगा। राम जी ने कहा, हनुमान जी सीता का वरदान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहां रहोगे तो संसार के प्राणियों का उद्धार करते रहोगे, यही मेरी इच्छा है। इस पर हनुमान जी बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो भगवान आप भी मुझे एक वरदान दीजिए। राम जी ने कहा, मांगो। हनुमान जी ने बोला, जहां जहां आपकी कथा हो, आपका कीर्तन हो, मैं वहां पर उपस्थित रहकर उसका आनंद लिया करूंगा। सीता जी ने कहा, दे दो प्रभु दे दो। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, सीता तू नहीं जानती ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह कथा कीर्तन होगा उतने शरीर मांग रहा है। सीता जी ने कहा, तो दे दीजिए ना, आपका लाडला है। राम जी ने वरदान दिया, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी, कथा जहाँ पे राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा, जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा,
कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमरन करके सुदबुद खो कर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी चरण शीश निवाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।